मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया। गुरुवार को यानी कि आज सत्र के दूसरे दिन हरदा के कांग्रेस विधायक आर के दोगने गले में सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध दर्ज कराया और कहा कि हरदा कांड मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम में विधायकों पत्रकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दोगने पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस वैसे ही बम की माला पहनकर घूम रही है। कांग्रेस बम आतंकवाद की जड़ है। कांग्रेस तमाशा ना करे, मानवीय आधार पर सरकार की कार्रवाई में सहयोग करे। बम की माला पहनना लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता। के विधायक या कांग्रेस तो वैसे ही देश में बम की माला पहने घूम रही है। ये बम फटाके आतंकवाद ये सब कांग्रेस की जड़ है, लेकिन फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देंगे। उनने हरदा में जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तत्काल कार्रवाई की है। एसपी कलेक्टर वहां हटा दिए गए। जो जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश है। जांच कमेटी बन गई है। कांग्रेस तमाशा ना करे, बल्कि मानवीय आधार पर सरकार जो पहल कर रही है उसमें सहयोग करे, जिससे मध्य प्रदेश में ऐसी कभी कोई अनहोनी घटना ना घटित हो। बम की माला पहनने का लोकतंत्र के जनप्रतिनिधियों को शोभा नहीं देता।